सो वेल गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड भाई ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस था, मतलब भाई इंटरनेट ही नहीं चला था, तो इसके लिए मैंने ये लेट ये प्री रिकॉर्ड करके ऑडियो आपके लिए डाला है कि भाई यार अगर आपको लेट वीडियो देखने मिले तो इसके लिए सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को अपने जरिए, लेट्स बिगिन गाइज। सो लेट गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड भाई ये है अपना डे 6 एंड भाई आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ टॉप 5 क्रेजी मोड फॉर माइनक्राफ्ट पॉग्रेशन, जो कि भाई आपके माइनक्राफ्ट में फुल पागलपना मचाने वाले बहुत ज़्यादा एपिक मोड्स है भाई। अगर आप खेलोगे ना तो भाई आपको बहुत मजा आएगा। एंड प्लीज यार मजा आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो पे भी मैं कमेंट का एम रख रहा हूं 100 कमेंट का, तो प्लीज यार कमेंट कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को अपने इस तरीके, लेट्स बिगिन गाइस। नंबर 5 प्लेयर कॉर्पस। लिटरली ये वाला जो मोड बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा ही एपिक मोड है, क्योंकि भाई इस वाले मोड में आप अगर मरोगे तो भाई आपको उसका आपका बॉडी भी मिलेगा एंड उसका डायरेक्शन भी आपको मालूम पड़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा दूर मर जाते हैं एंड हमको उसका डायरेक्शन भी नहीं मालूम पड़ता है, तो भाई इस वाले मोड में बहुत ज्यादा इजी यार, सिंपली आप मरोगे ना तो भाई आपका जो भी यार बॉडी का है ना वो स्केलेटन बन जाएगा बॉडी, एंड स्केलेटन में अपना पूरा का पूरा सामान स्टोर होगा। एंड जैसे आप मरोगे आपको डायरेक्शन भी मालूम पड़ेगा, मतलब आपका कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा सामने जहां आप मरे थे, एंड वहां टेलीपोर्ट भी कर सकते हो या आप जाके खुद से वहां क्लेम कर सकते हो। लिटरली बहुत ज्यादा यूजफुल मोड है यार भाई, बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए, तो भाई बहुत यूजफुल है आपके लिए कैसे तो प्लीज बताना। ये ओपन का ऑप्शन आएगा ना तभी ओपन करना है स्केलेटन को, अगर भाई कुछ और करोगे ना तो भाई पूरा का पूरा स्केलेटन यार गायब हो जाता है एंड आपका सामान भी क्लेम नहीं हो पाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना। गाइस आई होप आपको ये वाला मोड पसंद आएगा, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं अगले मोड पे। नंबर 4 एमसी मनी। लिटरली ये वाला जो मोड है ये माइनक्राफ्ट में मनी का ऑप्शन लेके आ जाता है, जिससे भाई डॉलर्स और कुछ बक्स में मतलब आपको ट्रेड करना पड़ता है। इंडियन रुपीस तो नहीं आएंगे भाई, मगर डॉलर्स में इसके अंदर रुपीस आ चुके हैं, जिससे आप यार कोई भी विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं। एंड भाई इसके अंदर एक स्पेशल विलेजर होता है जिससे आपको ट्रेड करना पड़ता है। एंड भाई इसके अंदर आप अगर मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो भाई अपने फ्रेंड के साथ भी आप इससे ट्रेड कर सकते हो इजिली, और ये जो सामने आपको दिख रहा है मेथड, इससे आप भाई प्राइस कम ज्यादा कर सकते हो एंड अपना आइटम बेच सकते हो। एंड एकदम लास्ट में जाओगे ना तो भाई आपको क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली वहां जाके अपना मनी भी आप क्लेम कर सकते हो, इतना ज्यादा एपिक है। इसके अंदर आपको एटीएम भी मिल जाता है, जिसमें आप क्लिक करके ना सिंपली एटीएम से पैसा ले सकते हो, निकाल सकते हो। एंड इसके अंदर एक ज़ोंबी भी मिलता है एंड एक विलेजर मिलता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, एंड जो अपना विलेजर है ना वो अच्छे अच्छे ट्रेड देता है एकदम ओपी ओपी भाई, ये मनी से आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत ज्यादा एपिक लगता है मुझे। नंबर 3 एडवेंचर बैकपैक। लिटरली ये वाला जो बैकपैक है बहुत ज्यादा एपिक एंड बहुत ज्यादा बेस्ट बैकपैक है भाई। लिटरली ये अगर आप एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, ये बैकपैक आपके लिए बेस्ट है और भाई बहुत ज्यादा बड़ा साइज है, आप देख सकते हो। एंड इसके सामने ना लालटेन भी लगी है, एंड भाई ये बैकपैक में इजीली आप यूज कर सकते हो, सिंपल इसके ऊपर होल्ड करके रखोगे तो भाई आप ब्लॉक निकाल सकते हो या रख सकते हो। गाइस इसके अंदर जो लालटेन लगा हुआ है एक्चुअली यूज भी होता है, बहुत ज्यादा एपिक लगता है। एंड भाई आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस अगर आपको थोड़ा भी नॉइस आ रहा होगा तो इसके यार इग्नोर करना। एंड नंबर 2 है अपना टैंक मोड। लिटरली इसके अंदर टैंक जो है ना ये बहुत ज्यादा बेस्ट टैंक है, इसके अंदर आप भाई बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके का बम फेंक सकते हो। एंड अगर भाई आप टैंक में बैठोगे तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको चलाना है एंड कैसा यूज करना है। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड रिव्यू में बहुत ज्यादा छोटा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे वीडियो जल्दी बनानी पड़ती है, इसके लिए मैं छोटा छोटा रिव्यू दे रहा हूँ। नंबर 1 ब्रिज मोड। लिटरली ये वाला जो मोड है बहुत ज्यादा एपिक मोड है, इसके अंदर आपको बहुत सारे तरीके की ब्रिज मिल जाएंगे एंड भाई 20+ ब्रिज आपको मिलने वाली इसके अंदर। और ये देखो ब्रिज की क्वालिटी एंड कितना ज्यादा एपिक एपिक एकदम मस्त मस्त डिजाइन में आपको मिलती है। एंड ये वाली भी देख लो यार कितना ज्यादा एपिक लग रहा है, ऐसे आप बहुत सारे इसके अंदर ब्रिज ले सकते हो। ये वाला कमांड डालते हैं, अगर भाई एक साथ आपको चाहिए तो ये कमांड डाल के आप ले सकते हो। एंड आपको क्राफ्ट करना है तो आप क्राफ्ट भी कर सकते हो इजिली, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, सर्वाइवल में वाला मोड इजिली यूज होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के मैं रख रहा हूँ ओनली 500 लाइक का। एंड भाई अगर आपको ये वाला वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गया तो प्लीज यार कमेंट भी कर देना यार आपको कौन सा मोड पसंद आया, तो प्लीज यार कमेंट कर देना एंड कमेंट का एम है ओनली 100 कमेंट का। एंड चल को जो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। एंड चलो कल मिलते हैं कुछ जल्दी यार, बहुत ज्यादा लेट आज वीडियो आ गया इसके लिए सॉरी, एंड बहुत ज्यादा ही लेट आ चुकी है यार, बहुत ज्यादा इसके लिए यार सॉरी। एंड कल थोड़ी जल्दी मैं डालने की कोशिश करूंगा, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।